second B. Myself, Poonam Miss. Today I am going to teach you one of the important topic of English grammar, the present tense. जैसा कि previous lesson में मैंने आपको tense and tense के part and all detailing introduction दिया था, आज के lesson में मैं आपको present tense अच्छे से explain करने वाली हूँ. So, what is present tense? जैसा कि मैंने अपने previous lecture में ही आपको बताया, present tense expresses an unchanging, repeated or reoccurring action or situation that exists only now. जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि present tense means वो action, वो situation जो currently हो रही है, means existing time पे हो रही है. आज के समय पे जो condition, जो situation है, उसी को हम present tense कहते हैं. आगे हम देखेंगे कि present tense के भी four part में, प्रेजेंट टेंस को भी फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको इन चारों के भी रूल बताने वाली हूँ और इन चार को भी हम तीन टाइप के सेंटेंस में देखते हैं. फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकेंड वन इज निगेटिव एंड थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव. वन मोर More types we can write that interrogative plus negative. अब हम देखेंगे डिटेल में present indefinite tense. Okay student, जैसा कि मैंने अपने previous lecture में ही आपको बताया था कि indefinite means what? In present indefinite simple tense, the action is simply mentioned and there is nothing said about it completeness. Present indefinite means ऐसी एक्टिविटी जो शुरू तो हो चुकी है लेकिन अभी कंप्लीट हुई है नहीं हुई है इसका हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है. मींस माय वर्क इज़ कंप्लीटेड और नॉट, वी डोंट नो. हमारा टाइम डेफिनेट नहीं है. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस प्लस ऑब्जेक्ट. जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस. अब हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको एस और यस कैसे टाइप्स के सब्जेक्ट के साथ ऐड करना है, किसके साथ ऐड नहीं करना है. तो हमको ये समझना है कि सिंगुलर है तो हमको एस और यस ऐड करना है वर्ब के साथ, प्लूरल है तो हमको ऐड नहीं करना है. एज आई हैव रिटन इन एग्जाम्पल, ही स्टडीज इन कॉलेज. सी हेयर, सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ब के साथ यस ऐड किया हुआ है. अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस. प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब डू और डज आता है. डू प्लूरल के साथ एंड डज सिंगुलर के साथ. नकारात्मक वाक्य मीन्स निगेटिव सेंटेंस में हमको ये याद रखना है कि हमको निगेटिव लिखना ही लिखना है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हमको नॉट यूज़ करना है बिकॉज दिस इज़ माई निगेटिव सेंटेंस. जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आरिफ डज नॉट स्पीक ट्रूथ. यहाँ पर आरिफ हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर डज नॉट का यूज़ किया है. इन माई सेकेंड एग्जाम्पल, रजनी डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन सैटरडे. रजनी इज़ माई सिंगुलर और डज नॉट बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट रजनी. यहाँ पे रजनी जो है सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम डज यूज़ करते हैं इसलिए हमने यहाँ पे डज यूज़ किया है. बाकी का हमारा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सेम अफर्मेटिव जैसा ही रहता है. अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. जैसा कि हमने आपको पहले ही रूल बताया कि कोई भी सेंटेंस के फॉर्मेट में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता ही होता है, बट इंट्रोगेटिव के लिए हमको ये याद रखना है कि सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब वो भी फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट. यदि हमको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है हमारे सेंटेंस को, सो दैट टाइम वी विल यूज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब डू और डज बिफोर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, डू दे एग्री विथ मी. यहाँ पर दे हमारा प्लूरल है और जैसा मैंने बताया प्लूरल के साथ हम डू यूज़ करते हैं,
सो मैंने यहाँ पे डू यूज़ किया है। एंड हमको एक चीज़ और याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते समय हमको ये क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क होना ही चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, डज शी नॉट रन अवे फ्रॉम मी। यहाँ पर हमने डज इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर, एंड बाकी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम वे में हम लिखते हैं, उसका कुछ रिप्लेसमेंट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्टेप क्या होता है। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज ऑन गोइंग स्टिल गोइंग ऑन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स माई वर्क इज ऑन कंटिन्यू बेसिस, मीन्स मेरा काम हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हमको तीन हेल्पिंग वर्ब रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, बट हमको ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है और आई है। यहाँ पर एक रूल होता है कि सिंगुलर के साथ हमको इज लगाना है, प्लूरल के साथ हमको आर लगाना है एंड आई के साथ एम लगाना है, बस ये याद रखना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस इज दैट वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहेगा। वर्ब हम हमेशा आईएनजी के साथ ही लिखेंगे, चाहे वो हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। जैसे कि आप हमारे एग्जांपल में देख सकते हैं, आई एम रीडिंग हिज लेटर। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है इसलिए हमने एम यूज़ किया है। रीडिंग इज माई वर्ब, वर्ब के साथ हम हमेशा आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम निगेटिव पार्ट देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ पर फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं होता है, बट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट यूज़ करना होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर निगेटिव सेंटेंस। एज अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने लिखा है, सेम वही रूल होता है, ओनली चेंज इज दैट नॉट यूज़ करना होता है। सो एग्जाम्पल हियर, आरिफ इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। यहाँ पर नॉट इसलिए यूज़ किया है बिकॉज दिस इज माई निगेटिव सेंटेंस। एंड इन सेकेंड एग्जाम्पल, वी आर नॉट गोइंग टू ऑफिस ऑन सैटरडे। सो आर इसलिए यूज़ किया बिकॉज वी इज प्लूरल एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट यूज़ करना होता है। सो ये हमको याद रखना है। कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एंड स्टेप हैं, ये अगर हम याद कर लेते तो हमें टेंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने देखा कि कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको सॉल्व करना है तो हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रूल क्या होता है। यहाँ पर मैंने लिखा इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब, सेम इट इज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लिखना होता है। अगर हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमको नॉट भी लिखना होता है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आर वी गोइंग ऑन पिकनिक टूडे। सी हियर, क्वेश्चन मार्क तो हमको याद ही रखना है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। सो आर इज माई हेल्पिंग वर्ब, आर वी गोइंग ऑन पिकनिक टूडे। यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट है गोइंग, गो विथ आई एन जी, गो हमारा वर्ब है एंड आई एन जी हमने उसमें ऐड किया, सो दैट इज गोइंग ऑन पिकनिक टूडे। इन सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन सी दैट आर वी नॉट, यहाँ पे नॉट हमने यूज़ किया बिकॉज दिस इज़ माई इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। होप स्टूडेंट आप सबको हमारा समझ में आ रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ जस्ट बीन हैपन और कंप्लीट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स माई वर्क इज़ ओवर। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स माई वर्क इज़ ऑलमोस्ट ओवर। अब हम यहाँ पे रूल समझ रहे हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या रूल होता है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव
प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने वर्ब थर्ड फॉर्म लिखा है, इट मीन्स चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट आए, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट आए, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट आए, हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना होता है। ओके स्टूडेंट। और हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो हमको हैज़ लिखना है, प्लूरल है तो हैव लिखना है। ये दो बातें हमको याद रखनी होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। जैसा कि मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है, सीमा हैज़ बॉट न्यू कार। सीमा, सी इज़ माय सिंगुलर, सीमा एक सिंगुलर है, सो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मैंने हैज़ लिखा हुआ है। बॉट, बॉट ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट है। न्यू कार, यहाँ पर मैंने थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। अब हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, नथिंग विल चेंज, ओनली हियर वी विल राइट नॉट, एज दिस इज माई निगेटिव सेंटेंस, सो और कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, ओनली हमको नॉट यूज़ करना होता है। सीमा हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क। यहाँ पर जैसा कि मैंने रूल में बताया था कि सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, यहाँ पर सिंगुलर सीमा है, सो हैज़ नॉट एंड वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म लिखना है। होप स्टूडेंट यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनाते हैं। यहाँ पर एज यूजुअल, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी बनाते हैं। यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होता है। एज आई एम मेकिंग हियर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, सो दैट टाइम आई विल राइट हियर नॉट, ओनली दैट मच चेंजेस इज हियर। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, हैव यू स्लेप्ट इन द मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने हैव क्यों यूज़ किया है, बिकॉज यू हमारा प्लूरल है, यू हमारा प्लूरल है, एंड स्लीप दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ स्लीप, यहाँ पर हमने स्लीप का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट होप आपको समझ में आया। ओके, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है। ओके, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज स्टार्टेड इन पास्ट स्टिल कंटिन्यूइंग एंड नॉट कम्प्लीटेड सो फॉर, इट मीन्स हाफ वर्क इज माई कम्प्लीटेड एंड हाफ वर्क इज रिमेन, मेरा आधा काम हो भी चुका है और आधा काम बाकी है, जैसे कि मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रीवियस लेक्चर में दिया था। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए क्या रूल होता है। सबसे पहले एज यूजुअल हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, हमको हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा एंड वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब हमको यहाँ पर यह भी देखना है कि हम फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं एंड सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं। जहाँ पर हमारा टाइम निश्चित होता है, जहाँ पर हम श्योर हैं, हमारे पास श्योरिटी है कि हाँ ये काम हमारा इतने बजे कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पर हम सिंस यूज़ करते हैं। जहाँ पर हम डेफिनेट नहीं है, जहाँ पे हमको श्योरिटी नहीं है कि हमारा काम कब कंप्लीट हो रहा है, कितना टाइम में हो रहा है, वहाँ पर हम फॉर यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगी, वी हैव बीन स्टडिंग दिस बुक सिंस 3 o'clock। यहाँ पर देखिए वी हैव बीन, यहाँ पर हमने हैव बीन क्यों यूज़ किया है, बिकॉज माई सब्जेक्ट इज प्लूरल, हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, एंड स्टडी, स्टडी विथ आई एन जी फॉर्म, स्टडिंग इज माई वर्ब, यहाँ पर हमने आई एन जी यूज किया हुआ है, एंड सिंस 3 o'clock, यहाँ पर टाइम इंडिकेट किया है, सिंस आपको समय बता दिया है कि 3 बजे से ही, मतलब मेरा काम क्या है, फिक्स है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नथिंग चेंजेस इज हियर, ओनली वी विल यूज़ नॉट, यहाँ पर हम नॉट यूज़ करेंगे आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि ये निगेटिव सेंटेंस है, सो हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद ओनली नॉट का यूज़ करना है एंड बाकी का फॉर्मेट सेम रहने वाला है।
जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, स्टूडेंट राम हैज़ नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 hours. यहाँ पर हम देखेंगे और समझेंगे, राम हमारा सिंगुलर है, हैज़ नॉट बीन बिकॉज राम इज सिंगुलर, राम सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ नॉट बीन का यूज़ किया है. स्विमिंग विथ ING फॉर्म, दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट. यहाँ पर हमने फॉर का यूज़ किया है क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि कौन सा 2 घंटे, मीन्स टाइम तो हमारा 24 घंटे का होता है, तो उसमें से वो कितना बजे का टाइम नहीं दिया, हमारे पास सियोरिटी नहीं है. सो वी विल यूज़ हियर फॉर. ओके स्टूडेंट, होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. एज यूजल, जैसे कि बाकी टेंसेस का रूल है कि हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है, एंड बीन प्लस वर्ब विथ ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस एंड टाइम. जैसा कि हमारा पहले जैसा ही फॉर्मेट है, ओनली चेंजेस इतना है कि हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है. अगर हमको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव लिखना है तो हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करना होता है, बस इतना ही चेंजेस करना है. यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे, राम हैज़ बीन कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंडे. जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, राम हैज़ बीन कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंडे. यहाँ पर दिस इज द एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. हियर वी हैव टू राइट हैज़ राम बीन कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंडे. सम चेंजेस शुड बी हियर, हियर विल कम हैज़ राम बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, एंड सम मिस्टेक इज हियर. ओके स्टूडेंट, होप यू ऑल आर गेटिंग. यहाँ पे मैं आपको कुछ चार्ट दिखाना चाहूँगी. हियर इज अ लिस्ट ऑफ सेंटेंस रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. यहाँ पे मैंने एक समरी बना के रखी हुई है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से ये पूरा फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. सो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखना होता है, वर्ब विथ फर्स्ट फॉर्म, एंड वर्ब में एस और ES ऐड करना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके हिसाब से हमको यूज़ करना होता है. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. अगर हमको निगेटिव लिखना है तो हमको ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, ओनली नॉट का यूज़ करना होता है. एंड फॉर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमको डज और डू का यूज़ करना होता है. ओके स्टूडेंट, अब हम वंस अगेन आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी. यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, अफर्मेटिव निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों के लिए भी. बट आपको याद क्या रखना है कि सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई के साथ एम, एंड वर्ब हमेशा ING फॉर्म में ही रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का, एंड चाहे फ्यूचर का. एंड फॉर निगेटिव सेंटेंस आपको यहाँ पे नॉट याद करके रखना है. एंड फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब हमारा सबसे पहले आएगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, वर्ब विथ ING फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, आफ्टर दैट हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब ऑलवेज थर्ड फॉर्म में रहता है, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस नॉट एंड वर्ब विथ थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, वर्ब विथ थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या रूल होता है. सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन. सिंगुलर है तो हैज़ बीन, प्लूरल है तो हैव बीन. वर्ब विथ ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम. टाइम श्योर है तो सिंस, टाइम श्योर नहीं है तो फॉर. यहाँ पे हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे. निगेटिव सेंटेंस है तो हमको नॉट यूज़ करना होता है, आफ्टर हैज़ और हैव. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमको सब्जेक्ट के पहले हैज़ और हैव लिखना होता है, प्लस बीन प्लस वर्ब इन ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस और फॉर. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो. बाकी का पास्ट एंड फ्यूचर
एंड मोर एंड मोर वीडियो आई विल प्रोवाइड इन माई नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.